और व्यूवर्स ये देखिए ये बॉकेट आपको नज़र आ रही हैं, इनमें मैंने टमाटर के पौधे उगाए हैं। ये प्लास्टिक की जो डस्टबिन होती है वही हैं ये जो मैंने बाज़ार से परचेज़ की थी, और इनमें मैंने इसके ये मिट्टी के नीचे कंपोस्ट है कंपोस्ट डाल के और उसके ऊपर थोड़ी सी लेयर जो है ना वो मिट्टी की लगा दी मैंने, ताकि जब ये पौधे बड़े होंगे तो जब टमाटर लगेंगे टमाटर लग जाएंगे तो ये झुकेंगे नहीं, क्योंकि वो टमाटर के अपना एक वेट होता है, और अगर वो कंपोस्ट सिर्फ मैं यूज़ करूँ तो बहुत हल्की होती है तो पौधे जो है ना वो एक तरफ झुक जाएंगे, इसलिए मिट्टी का होना बहुत लाजमी है ताकि ये थोड़ा सा हार्डनेस देती है पौधे को, ग्रिप देती है। ये देखिए जो पहले मैं आपको दिखा रहा था वो प्लग प्लांट था, वो छोटा था इस साइज़ में जो मैं आपको कन्वर्ट करने के बारे में बता रहा था आपको, ये वही चीज़ है। जस्ट मैंने इसको तकरीबन एक माह पहले कन्वर्ट किया था इस कंटेनर में, उस वक्त ये भी छोटे थे, लेकिन अब इनकी जो हाइट है ग्रोथ जो है इनकी बढ़ रही है, और ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने में फल देना स्टार्ट कर देंगे। अभी भी ये इनमें फूल तो आ चुके हैं, लेकिन अभी ये मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, शायद आप देख सकें इसमें, ये मेरी उंगली के पास छोटे छोटे आपको 2 जो है ना वो फूल नज़र आ रहे होंगे, ये इसकी निशानी ये है कि ये फल जल्दी लग जाएगा इनको, टमाटर जल्दी लगेंगे। देखिए ये छोटी सी हाइट है इसकी, तो फल पर आ गई है ये। और इसी तरह हाँ, घर में आप पौधे लगाएं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लुक भी अच्छी लगती है और माहौल अच्छा बनता है घर का, अगर तो बच्चे शरारती ना हो तो। हमारे घर में भी एक बच्चा है बहुत शरारती है, लेकिन मैं उसको इस साइड पर आने नहीं देता, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पौधा, ये ज़ाफ़रान आपने नाम सुना होगा, जिसको इंडिया में कुछ और शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा, केसर, सॉरी हाँ केसर के नाम से जाना जाता है, जो खाने में भी डालते हैं वो, ये उसका पौधा है। इसमें सिर्फ एक ही फूल लगेगा, इससे ज़्यादा फूल नहीं लग सकता इसको। और ये भी हरी मिर्च का पौधा है जो मैंने अभी कल ही इसको ट्रांसफ़र किया है इस गमले में, ये ऊपर कंपोस्ट है इसके और नीचे मिट्टी मिक्सिंग है। ये मेरा जैस्मिन का पौधा जो कि जिसको मोतिया का पौधा बोलते हैं ना, मोतिया, ये वो है। इसकी एज तकरीबन 2 साल होगी। जस्ट मैं इसको बढ़ने नहीं देता क्योंकि इसी हाइट में रहेगा तो ये कुछ ही सालों में ऐसा लगेगा जैसे बूमसाई ट्री होता है, बूमसाई ट्री को कहते हैं, जो एक गमले में ही आपको एक दरख्त की शेप देगा, ये वो है। और ये अनार का है, ये चाइनीज़ अनार होते हैं, छोटे छोटे इसको लगते हैं फिर गिर जाते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ते। और ये क्रिसिया ग्रैंडी फ्लोरा इस पौधे का नाम है, क्रिसिया इसको बोलते हैं। ये भी इसमें भी फूल लगते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, वाइट कलर के होते हैं वो। और ये आप देख रहे हैं पौधा, इसको फैकी स्टार बोलते हैं, फैकी स्टार ये पौधे को, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, सिर्फ पत्ते ही लगते हैं, फूल नहीं लगते इसमें, लेकिन ब्यूटीफुल लुक देता है ये। और ये देखिए ये एलिफेंट फिट, सॉरी एलिफेंट फुट है ये, इसको बोलते हैं एलिफेंट फुट, सॉरी एलिफेंट फुट नहीं, हाँ कुछ एलिफेंट फुट भी बोलते हैं, लेकिन जो बेसिकली इसका नाम है ये है एलिफेंट ईयर, मतलब कि हाथी के कान, इसको इंग्लिश में नाम है एलिफेंट ईयर। और ये भी वही है जो अभी मैंने कुछ दिन पहले काट के इसको
نئے سرے سے گرو کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ جلد ہی بڑا ہوگا. یہ بھی وہی ہے, یہ پلاسٹک کے گملے ہیں, ان میں میں نے گرو کیا ہوا ہے کیونکہ پلاسٹک کے گملے کا ویٹ نہیں ہوتا اتنا, کیونکہ مٹی کا اگر گملہ یوز کرتے ہیں بڑے والا تو اس میں کافی جو ہے نا وہ ویٹ ہوتا ہے, اور مٹی الگ سے ڈالیں گے اس کا الگ سے ویٹ ہوگا, تو کافی ویٹ جو ہے نا اوپر. آپ چھت پر اگر کچھ گملے رکھیں تو بہت ویٹ بڑھ جائے گا ان کا, اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پلاسٹک کی کوئی بھی جو پینٹ والی بالٹی جس کو بولتے ہیں وہ 16 لیٹر والی ہو یا 10 لیٹر والی ہو, اس میں آپ کسی بھی قسم کا پودا اگائیں وہ کافی اچھا رہے گا. یہ دیکھیں, یہ بھی میں نے بوٹلز میں گرین پیپر آئیے ہری مرچ کے پودے یہ اگائے تھے میں نے, تو اب تو ٹرانسفر کرنے کے قابل ہو چکے ہیں یہ, اور جلد ہی ان کو میں کسی بڑے گملے میں الگ الگ سے ٹرانسفر کروں گا. ایک گملے میں ایک پودا ٹرانسفر کرنا چاہیے. ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ مجھے ریکمینڈ کریے, کمنٹس چھوڑیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایڈ کیا کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.